फाइनली नया माइक ले लिया है बोया का BYM1। तो जिसको टेस्टिंग करने के लिए मैं आया था मन्नत हवेली, 10-12 किलोमीटर है मेरे घर से। तो अभी रास्ते में चलते चलते आपसे बातें करते हैं और बोया का BYM1 जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। लास्ट वाला माइक मुझे काफ़ी दिक्कत कर रहा था व्लॉग में, लास्ट में आपने देखा होगा डिस्टरबेंस आ रही है। तो अब ये वाले माइक का चेक करते हैं कैसा रहता है रिव्यू। बाकी आप एक बार रिव्यू मेरी वीडियो व्लॉग में भी चेक करना कि वॉइस कैसी है, नॉइस कैंसिलेशन कैसी है। और सबसे अच्छा फीचर इस माइक का ये है कि इसमें GoPro का क्विक कैप्चर ऑप्शन के साथ भी ये काम करता है। और इस माइक की सेटिंग मैंने इस हिसाब से करी है, ये देख, ये रहा कंडेंसर, सारी 20 फीट केबल्स यहाँ पे, और ये जा रहा है माइक चिन के पास, और जो बाहर केबल जा रही है अडैप्टर में वो कुछ इस तरीके से। एक छोटी सी शॉर्ट राइड प्लान करी माइक टेस्टिंग के लिए, और लॉन्ग राइड्स तो आपको पता ही है कि करंटली अभी बंद हैं कहीं लॉन्ग राइड्स ड्यू टू COVID-19। आप भी मोटो ब्लॉगर हैं और आप कोई माइक यूज कर रहे हैं, कोई चीप एंड बेस्ट ऑप्शन, तो वो भी एक बार बताना मुझे लिंक में। लास्ट वाले ब्लॉग में मुझे काफी दिक्कत आई थी माइक की, तो सेम डे मैंने आने के बाद ये माइक ऑर्डर किया था। नियर अबाउट 750 रुपीज का पड़ा है मुझे ये माइक। अभी मैं हूँ अप्रोक्सीमेट 85 की स्पीड पे। आप बताना कि इसमें वॉइस कैसी आ रही है, क्योंकि गाइस आपका रिव्यू, आपके कमेंट्स एंड आपका रिव्यू भी बहुत ज़रूरी है। और इस माइक को सेट करना सबसे बड़ी महाभारत है, क्योंकि इसमें जो कंडेंसर रहता है और इसकी जो केबल 20 फीट लॉन्ग, आप सोचिए 20 फीट लॉन्ग केबल को आप हेलमेट के पैडिंग में सेट कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को आप देखिए, ये फोटोज़ मैंने आगे शेयर किए हैं, इसमें आप देखिए मैंने कैसे इसकी सारी पैडिंग में सेटिंग बनाई है। और अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और एक नई चीज दिखाता हूं आपको, नए तरीके का टोल टैक्स, ये देखिए नए तरीके का टोल टैक्स जो इंडिया में अभी इंस्टॉल हो रहे हैं ऑल हाईवेज पे। एक छोटी सी टेस्टिंग तो मैंने घर में की थी, बट जब तक 80 की स्पीड पे या फिर मोटो ब्लॉक में चलते चलते बाइक पे आवाज टेस्ट ना करें तो इसीलिए क्विक शॉर्ट राइड प्लान हुई सडन। और गाइस आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है बोया के BYM1 माइक के साथ, वो भी शेयर करना कमेंट में। अभी हम पहुंच गए अपने होम टाउन वापस,
यहाँ से थोड़ी दूर हमें रॉन्ग साइड जाना होगा, कुछ काम है हमें रास्ते में। और जिस दिन बाइक को चमकाएं उस दिन तो राइड का मजा ही कुछ अलग आता है। आज इसको वॉश किया था और इवन पॉलिश भी यूज करी थी, तो आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं।